बिसम ख़ालिद मजिद और तज़ीन अख्तर हाजिर सूरत हाल के साथ सूरत हाल अजीब और गंभीर है एपीसी होने के बाद से हालात में सर्दी की बजाय गर्मी ज़्यादा हो रही है अक्टूबर के बाद तो सर्दी आती है नवंबर में सर्दी शिदत अख्तियार करना शुरू करती है और आहिस्ता आहिस्ता दिसंबर में और सर्दी लेकिन यहाँ पर ए के बाद सियासी माहौल में गर्मी और गर्मी और गर्मी की तरफ बढ़ रहा है पहले ये हुआ कि शहबाज शरीफ को नैब के आते से गिरफ्तार कर लिया गया नैब ही की तरफ से सबक़ सदर आसिफ जरदारी पे फर्द जुर्म आयद हो गई साथ ही उनकी बहन फरियाल तालपुर पे भी फ़र्द जुर्म आयद हो गई उसके अलावा मौलाना रहमान को नैब पिशावर ने तलब कर लिया लेकिन अभी हालात वहाँ पे रुके नहीं गर्मी और बढ़ी है और गर्मी बढ़ते बढ़ते अब आ गई है गद्दारी के मुकदमात पे। गद्दारी के मुकदमे इनका माजी क्या है हाल क्या है मुस्तबिल क्या है आज हम इस पे बात करेंगे और तज़ीन अफ्तर साहब जी ग्दारी के मुकदमत माजी हाल मुस्तबिल की तरफ सूरत हाल एक अजीब किस्म की तरफ चल पड़ी है वो आपके पिछले प्रोग्राम में मैंने एक बात की थी कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने पास वो सर्टिफिकेट रखे हुए हैं और साथ स्टैंप भी रखी हुई है ठीक है वो जो उनको पसंद आता है वो सर्टिफिकेट निकालते हैं जेब से और स्टैम्प लगाते हैं, हैं। महिब वतन ठीक है जो पसंद नहीं आता वो सर्टिफिकेट निकालते हैं दूसरा ठीक है और उस पर मोहर लगा देते हैं गद्दार ठीक है और इसी तरह ये जनती है और ये जहनुमी है ठीक है ये हमारा एक मजमू कल्चर है और ये सिर्फ हमारे आम लोगों में नहीं है ये हमारी अशराफिया में भी है और ये हमारी इस्टेबलिशमेंट में भी है ये हमारी हुकूमत में भी है और रद्दारी के मुकदमात जो हैं यहाँ पे आ, कोई इससे अभी जज हज़र ही हैं जो बच गए हैं वैसे तो बाक़ी सब पे तो लगते रहे हैं और हमारे हसास इधारों में भी जो उनका जो अपना निज़ाम है उसके अंदर आ, अभी कुछ अर्सा पहले ही एक लेफ्टिनेंट जनरल और एक ब्रिगेडियर जो है वो रिकॉर्ड की बात उनकी अपनी तहक़ीक थी उन्होंने ही पकड़ा उनको ख़ुद जो उनका अपना इंटरनल निज़ाम है लेकिन जब हम बात करते हैं गद्दारी के मुकदमात की तो बिलाशुबा और बेशक इसमें पाकिस्तान के क्याम के फ़ौर बाद से लेकर अब तक ज़्यादा निशाना जो बने हैं वो सियासतदान बने हैं बिल्कुल और सियासतदानों में ज़्यादातर वो बल्कि सारे ही वो जो कि अपोज़िशन में थे अब अपोजिशन में जो सियासतदान हैं, वो पिछली हुकूमतों में वो हुकूमत में थे ठीक है तो ये है। एक बड़ा दिलचस्प भी है अफसोसनाक भी है भी है। है, मुझे जो याद आ रहा फातिमा जिन्ह पे भी तो इसी किस्म के उंगली उठाई गई थी जी बिल्कुल मतलब एक तारीख है यहाँ पे तारीख है ये अभी देखे ना बाद लोग तो अभी तक मौजूद हैं जो बात करते हैं कि वो बाबा जो है उसको नमाज पढ़नी नहीं आती थी ठीक है हम आदम जो है। तो यहाँ पे हमारे कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने आप को नुमाया करने के लिए वो कहते हैं कि जी वो चांद पे थूकते हैं ठीक है चांद पे जब वो थूकते हैं जाहिर है वो थूक ऊपर जाते और नीचे आके वो खुद उनके मुंह पर गिरने तक कुछ टाइम लगता है उस टाइम में वो मीडिया ट्रायल वगैरह होता रहता है तो मुहतरमा फातमा जिना की बात आपने की बिल्कुल सही कहा आपने उनकी एजेंसियों से निगरानी होती रही उनकी ठीक है उससे भी पहले चौधरी रहमत अली जो है जिन्होंने पाकिस्तान का नाम तजीज किया था ठीक है वो उनकी खुफिया निगरानी होती रही और फिर वो चले गए अपना इंग्लैंड चले गए वहीं पर दफन हुए अब कोशिशें हो रही है कि उनका जैसे खाकि लाया जाए तो ये एक हिस्ट्री है और फिर मुहतरमा फातमा जिना की आपने बात की तो वो दौर एक बड़ा पुराशोब दौर था और सियासतदानों के हवाले से वो बड़ा ही कठिन था और उस वक्त जो कवानी ऐसे बनाए गए जिनकी जद में नवाबदा नसुल्ला खान तक जैसे सियासतदान आए सियासतदानों पर पाबंदियाँ लगाई गईं सियासी जमातों पर पाबंदियाँ लगाई गईं और उसके बाद अगर आप बाद में आए तो फिर सेवेंटीज आ जाता है सेवेंटीज में भी बहुत ज्यादा ये चीजें चलती रही जैसे भुट्टो साहब के साथ जो कुछ हुआ वो अब तारीख का हिस्सा है जिस अदालत ने उनको फांसी की सजा दी उसी अदालत के एक जज ने बाद में नसीम हसन शाह ने इतराफ किया कि ये गलत अपनी किताब में और सजा नहीं बनती थी उसके बाद फिर हक साहब के दौर में भी काफी चीजें होती रही गैर जमाती इलेक्शन का होना जो है वो बजाते ख़ुद एक सियासतदानों पर पाबंदी थी उस गैर जमाती इलेक्शन उन्नीस सौ पचासी का जो है उसके नतीजे में आपके जो कौमी और सूबाई सतह के की जो कानून साज इदारे हैं उनमें ऐसे लोग पहुंच गए जो कि या तो कौंसलर लेवल के, के थे या उससे भी कम थे ठीक है और वो अभी तक वो नेशनल लीडर या बने या फिर वो दौलत के बलबूते पे अपनी ए, क्या कह लें के दौलत के बलबूते पे और नजरिया जरूरत के तहत बिल्कुल ठीक है क्योंकि बहुत अजय यहाँ पे एक मैंने कभी कभी ये सोचता हूँ कि जो उन्नीस का गैर जमाती इलेक्शन था उसमें सियासी जमातों का जो बाइकाट था ना वो भी एक गलत फैसला था वो खैर ये एक अलग बात है लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि गैर जमाती इलेक्शन जो हैं वो बदनीति पर मबनी थे और उनकी कोई हैसियत नहीं थी जबकि मुल्क में सियासी जमातें मौजूद थीं और उसमें ऐसे लोग आए जो अब तक हमारे सरों पे मुसलत हैं और जिनका मेंटल लेवल जो है ये काउंसलर से ज्यादा नहीं है ठीक है और वो वजीर अजम वजरा तक वो चलते रहे अच्छा उसके बाद फिर ये मुकाबला शुरू हो गया खुद सियासतदानों के दरमियान हाँ जैसे नवे की दहाई है बिल्कुल अब उसमें जाहिर है मोहतरमा आई बाहर से छियासी में, च्यासी तो में मिसाल छियासीदलिसकबाल हुआ उससे कान खड़े हो गए लोगों के तो नवाज शरीफ साहब को इन किया गया तो वो जो दहाई है वो नवाज शरीफ साहब मोहतरमा को कहते थे स्कोटी रेस के

कि भाई वो बाहर बैठकर हंसते होंगे हमारे सिस्टम पर मोहसिन मोहसिन अख्तर साहब ने कहा पिछले दिनों नवाज शरीफ साहब के बारे में भाई आप पता नहीं वो कब से जस्टिस हैं और कब से बाकी लोग भी जो बात कर रहे हैं हुकूमती गुजरा को ले लें भाई जब जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में नवाज शरीफ साहब को पच्चीस साल कैद हुई ठीक है उन पे ता हयात पाबंदी लगाई गई सियासत की बिल्कुल ठीक है हाईजेकिंग केस में ठीक है तो उसके बाद उनको बाहर किसने भेजा था परवेज तो ने भेजा था ना बिल्कुल तो उस वक्त जो कानून था वो कहा था और उसका मजाक क्यों नहीं उड़ा था और उस वक्त नवाज शरीफ गर्दार क्यों नहीं था और उस वक्त नवाज शरीफ ने क्या नवाज शरीफ ने सिस्टम को धोखा दिया नहीं जो हेड ऑफ स्टेट था उसने सारे सिस्टम का पांचा किया अदालतों में जो सजाएं सुनाई हुई हैं वो परे फेंक दी और नवाज शरीफ को बाहर भेज दिया यानी अभी जो नवाज शरीफ का जाना है ये कोई चंबे की बात नहीं है और ये उससे बहुत छोटी बात है जो उस वक्त की उस वक्त के हेड ऑफ स्टेट वो ने। बड़ी बात थी ठीक है वो बहुत बड़ी तो, बात थी तो ये चीजें जो हैं ये मेरे भाई उसके बाद फिर आपके थोड़ी सी ब्रेक ना ले लें ब्रेक के बाद हम ये, ये ब्रेक आपकी वो सारा टेम्पो तोड़ तोड़ने का नहीं जी मुझे वो जब इशारा कर देते हैं कि कमर्शियल ब्रेक आ रही है तो फिर वो लेनी पड़ती है ना दिन छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से सिलसिला जोड़ते हैं देखते रहिए सूरत हाल खालिद मजिद तजी अख्तर के साथ वेलकम बैक नाजिन सूरत हाल में दोबारा खुश हमदीद खालिद मजीद और तज़ीन अख्तर हाजिर बात हो रही थी गद्दारी के मुकदमात की और गद्दारी के मुकदमात के हवाले से तदीन अख्तर साहब बहुत ही जारहाना किस्म की बैटिंग खेलने के मूड में थे या पता नहीं मुझे ऐसा फील हो रहा था नहीं मैं जारहाना मुझे क्या दूर? मेरा कोई स्टेक नहीं है मेरा स्टेक... मैंने कहा शायद कोई ऐसी तारीख ऐसी है हमारी तारीख ऐसी है हमारा माजी ऐसा है हमारा हाल ऐसा है और मुझे तशवीश है सिर्फ मुस्कबिल की कि हमने तो बसर कर ली जी। जैसे तैसे ठीक है हम तो वैसे भी सर्वाइवर्स थे आपको पता है जितनी हमने जदोजहद की है इस ही एक ही प्रोफेशन में तो लेकिन हमें तशवीश है कि यही मामला चलते रहे पचास साल पहले भी यही बातें हो रही थी कि वो जी नवाबजा नसरुल्ला हैं, हैं। नजर रखनी है जी और पचास साल बाद भी हुँ। आके, हुँ। अब फिर वही आदारी के मुकदमात हुँ। और हुँ। किन के ऊपर जो तीन तीन बार वजी आज़म रह चुके हैं किन के ऊपर जिन्होंने यहाँ पे सबसे बड़े मुहब वतों को अपॉइंट किया हुआ है ठीक है किन के ऊपर जिनके ऊपर आपने बीस साल पहले भी हर तरह का हरबा आजमा लिया पच्चीस साल कैद सियासत के लिए ठीक है सब कुछ और उसके बाद भी आप वो उनसे बरी होके वो फिर वजीर आजम बने हमने मैंने नहीं बनाए आपने भी नहीं बनाए इन्होंने ही बनाए ना भाई ठीक है तो अब तो हमारी जान छोड़ो यार जो, जो हाँ कि तो हाँ बड़ा मुतनाज़ है अपनी जगह पे फिर उस सजा को उधर ही उसको किसी अदालत में जाके नल एंड वाइट भी नहीं करवाने की जहमत की ये कानून की इज्जत है उसको बाहर भेज दिया फिर वो आ भी गया फिर वो मुंतब भी हो गया फिर वो, बार वो, वो पच्चीस हाँ है, है तो कर लिया है फिर हमने आपको देख लिया भाई, चलो ठीक है तो अब फिर आप उसके ऊपर मुकदमे बना रहे तो आपने ये क्या तमाशा क्या लगाया हुआ आवाम आम आदमी जो है उसको नवाज शरीफ के ऊपर गद्दारी के मुकदमे से उसका चूला नहीं जलता नहीं उसका जलता। बिजली का बिल पूरा नहीं होता ठीक है सही है या, चीनी हो तो हम... है? या आप नवाज शरीफ के ऊपर नहीं करते उसको चोर नहीं कहते तो भी नहीं जलता बिल्कुल ठीक है यानी हमें नवाज शरीफ के ऊपर मुकदमे होने से ना होने से गर्ज नहीं हमें गर्ज है मेरे भाई आपने कंटेनर पे चढ़ के जो पूरा मुल्क सर पे उठाया था कि मैं आया तो मैं अगले दिन ये कर दूंगा उससे अगले दिन ये कर दूंगा 200 अरब डॉलर आएगी 100 अरब डॉलर आईएमएफ के मुंह पे मारेगी 100 अरब डॉलर आपकी तरक्की पे लगाएगी भाई दो साल हो गए हैं यार खुदा का खौफ करो ये गद्दारी के मुकदमे जो हैं इनकी हकीकत सब जानते हैं कोई इनकी हकीकत नहीं है अच्छा नहीं ये जो एफआईआर बनी है जो एफआईआर है जो ये सारी चल रही है इनकी कोई कानूनी हकीकत क्या होगी कानूनी हकीकत जो है क्या कानूनी हकीकत होगी आप ये देख लें कि इन्होंने कर... कितना तमाशा इन्होंने लगाया जी हम प्रेस कॉन्फ्रेंसें रोज चार-चार वजीर बैठे हुए हैं नवाज शरीफ को वापस लाने का फैसला काबीना ने मंजूरी दे दी हाँ जी मेरा ख्याल है आपके प्रोग्राम में मैंने बात हाँ भी की थी कि ये क्या है कोई मजाक समझते हैं ये समझते हैं सारा बेवकूफ़ों का मुल्क है ये ये वजीर जो कह रहे हैं जी काबीना ने मंजूरी दे दी जी हाँ जी भाई काबीना का तो इख्तियार ही कोई नहीं है मेरा भाई यूके में है वो हाँ जी आपका आपकी काबीना का क्या लेना देना है आप नहीं ला सकते उनको तो वो देख लिया आपने अभी उन्होंने रिक्वेस्ट की उनमें कहा कि मुकदमों वाले हम इस तरह नहीं देते हाँ जी ठीक है और हमने ये बात बताई भी थी इसी तरह ये जो गद्दारी के मुकदमे हैं अब देखें ना ये गद्दारी के नवाज शरीफ के ऊपर है शायद हकान अब्बासी के ऊपर है जो वो भी सबक वजीर आजम है ठीक है और इस मुल्क में एक लाइन चला रहा है फिर तीन उसमें सबक लेफ्टिनेंट जनरल हैं जी ठीक है जनरल कयूम साहब हैं, जनरल तिरमजी हैं और एक और भी हैं ठीक है फिर वफाकी गुजरा है। हैं, फिर आपके वजी अजम आजाद कश्मीर है उनका नाम भी है ठीक है बिल्कुल ओ भाई कोई अकल को हाथ मारो तुम तो बिल्कुल ही तुम्हारी अकल तो घास ही चलने चली गई भाई अगर ये सारे लोग दार हैं तो फिर यहाँ पे मुहिब वतन कौन है और आजाद कश्मीर के वजीर को भारत जो है वो कुछ कहे तो समझ आती है आप उस पर हाँ। हाँ, हाँ, तो एक तरफ आप कहते हैं जी नवाज शरीफ ने जो खिताब किया वो भारत के चैनलों ने उठा लिया क्योंकि वो उनसे मिलता है बयानिया वो शहबाज गुल साहब गोलगपाड़ा साहब जो है तो अब ये जो आप आजाद कश्मीर के वजीर आजम पे गद्दारी का मुकदमा कर रहे हैं तो आप क्या समझते हैं कि ये आपने भारत का बयानिया मजबूत नहीं किया ठीक है तो भी तो यही को है कोई कानूनी नहीं है मेरे भाई अच्छा अदालत इसको उठा के ऐसे पर फेंक देगी मुस्तबिल में क्या होगा मुस्तबिल इनदारी के मुकदमा का जो मुस्तबिल कोई मुस्तबिल नहीं है ये चार छ महीने ये शहजाद अकबर वगैरह जो इन्होंने लगाए हुए हैं ये टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते रहेंगे अच्छा इसके बिहाइंड आप क्या समझते हैं कौन सी ऐसी चीज है जिससे तवज्जो हटाने के ये सारा चक्कर चलाया जा रहा है वो तो जाहिर है ना नाकामी है नाकामी नहीं मैं सिंपल सी बात है भाई हमने दफ्तर चलाए हुए हैं आप जानते हैं तो आपको नहीं पता के आपकी रिपोर्टिंग टीम में जो सबसे नैला होता था ठीक है या आपके न्यूज डेस्क पे जो सबसे निकम्मा होता है उनके क्या काम होते थे वो इधर की उधर 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 की इधर साजशी माहौल ठीक है जो काम कर रहा है वो हैं। यही काम होते थे ना बिल्कुल वही काम हुकूमत कर रही है के के पास डिलीवरी लिए कोई चीज नहीं है इन्होंने एक पाई बरामद नहीं की उनसे जिनको चोर चोर डाकू डाकू कहते हैं ठीक है एक को तो खुद अपने फैसलों से बाहर भेज दिया उसको ठीक है इनका तो वो तो नैरेटिव तबाह हो गया ना ख़त्म हो गया एक पाई उनसे नहीं निकलवा सके अवाम की जेब खाली कर दी है इनके पास है कुछ नहीं तो अब इन्होंने कोई ना कोई तमाशा तो लगाना है ना ट्रक की बत्ती कोई लगानी है इन्होंने ठीक है अवाम पूछ रहे हैं खाना दो रोटी दो तालीम दो दवाइयाँ सस्ती करो तो वो अचानक उधर से कोई शोशा छोड़ देता है तो सबका ध्यान उधर लग जाता है ये शोशे छोड़ रहे हैं ताकि ये जो ध्यान है वो उधर लग जाए अच्छा शोशे से मुझे याद आया कि ये जो कोरोना की वजह से सारे स्कूल बंद कर दो बंद कर दो बंद कर दो अचानक खोल दो अच्छा ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि हम तो अगर पूरे पाकिस्तान की बात ना भी करें सिर्फ इस्लाम की बात करें इस कॉलेज खोले यूनिवर्सिटी नमल यूनिवर्सिटी बंद हो गई एच सेवन फोर कॉलेज बंद हो गया अच्छा उसके बाद इस्लामाबाद का एक और कॉलेज भी बंद हुआ है एक पाक तुर्क भी बंद हुआ, पाक भी बंद हुआ। हाँ जी पाक पाक तुर्क तुर्क भी एक बंद हुआ। पाक तुर्क भी एक बंद हो गया अच्छा अब क्या अगला स्टेप क्या बनने जा रहा है कि जी इधर से खोल दो इधर से बंद कर दो इधर बच्चों का फ्यूचर आ जाए जाएगा जाए आपने जैसे कहा कि इतिहाद और उसके बाद अक्टूबर के महीने में रैलियों का आगाज ठीक है तो उनके छके छूटे हुए हैं एक नवाशी की तकरीर क्या आ गई इनके पसीने छोड़ गए हैं ठीक है ये तो इनके गट्स हैं और ये इनकी ही जो है वो हौसला है तो ये सारा कुछ इसीलिए है ना अब अपोजिशन निकलेगी आप क्या समझते हैं कि अगर इस बार मौलाना फजलर रहमान निकले तो उनके ये कहते हैं जी मदरसों के तालब इलम है जी ठीक है मदरसों के तालब इलम तो, तालब इलम तो होंगे बिल्कुल क्या वो आम लोग नहीं होंगे जो बाजारों में जब वो चैनलों वाले जाते हैं वो गालियां दे रहे हैं इनको बिल्कुल वो बात ही नहीं सुनना चाहते है, ये हमारे है, बच्चे जाते हैं वो है, कहते हैं है। मेरी जेब खाली करा ली तुमने मेरे बच्चे की फीस की वजह से उसका नाम कट गया अब मैं तुम मैं इस जलसे में शामिल होऊंगा इस रैली में शामिल होऊंगा पत्थर उठाऊंगा मारूंगा तुम्हें बिल्कुल मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मदरसे के तालब इलम होंगे बेशक लेकिन एक जमे गफीर इन आवाम का होगा जिनका जीना हमने इस हुकूमत ने मुश्किल बना बल्कि नामुमकिन बना दिया सियासी पार्टियाँ का भी अमल दखल बहुत ज़्यादा होगा वो सारी सियासी पार्टियाँ अपनी बका की जंग लड़ने के लिए अपना वर्कर बाहर ज़रूर निकालेंगे जी हाँ अच्छा एक खामोश वर्कर होता है वो भी बाहर निकलेगा एक खामोश वोटर होता है वो भी बाहर निकल आएगा और सबसे ज्यादा जो पिसरा है ना वो तबका जो दरमियान वाला है वो चाहे किसी भी हैसियत में नजर आए वो जरूर नजर आएगा बिल्कुल, नजर ये आ रहा बिल्कुल है बिल्कुल बाकी देखें क्या सूरत हाल बनती है तो, बिल्कुल यही बात है वो सारे लोग आएंगे उनको बस चाहिए एक लीड करने वाला वो मौलाना रहमान निकल आए वो बिलावल निकल आए वो मरियम निकल आए वो उनके पीछे सिर्फ उनकी पार्टी के कारकुन नहीं होंगे आप अब वो सारे होंगे जो आप कह रहे हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं ठीक है और वो आके अपना गुस्सा निकालेंगे ये कोरोना की सेकेंड वेव जो ये कह रहे हैं जी है। ये उसी की पेश बंदी है कि जब हमें ज़रूरत पड़े तो, तो इनको रोकने के लिए हम ये कर लें लेकिन ये इनकी बड़ी गलत फहमी है ये अब अगर करेंगे तो इनके खिलाफ बगावत हो जाएगी लोग उठा के इनकी ये पाबंदियाँ जो है इनके मुंह पे मार देंगे अच्छा हमने गद्दारी के मुकदमात की बात कर रहे थे तकरीबन सारे शोबे हम डिस्कस कर रहे हैं मतलब जितने जे हैं जी हाँ उनकी बातचीत हो रही एक जे पे हमने कोई बात नहीं की वो जे जर्नलिस्ट का है कभी ऐसी भी कोई सूरत हाल नजर आती है या नज़र आई आपको जर्नलिस्टों पे भी गद्दारी के मुकदमें जो हैं सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत अभी भी मेरा ख़्याल है पेंडिंग है उसमें ये आज़म रज़ा कसूरी साहब भी फरीक़ हैं जो कि ज़्यादातर इस्टेबलिशमेंट की तरफ से होते हैं और गद्दारी के मुकदमात में आप जानते हैं जैसे हामिद मीर के ऊपर काफ़ी चीज़ें चलती रही हैं इसके अलावा ये उम्र चीमा की जो है बाकायदा पिटाई भी हुई फिर अभी ये जो ज़ैनि वाला काम हुआ है जैन क्या नाम है उनका ये जो नूरानी साहब ने किया है वो जो बिल्कुल ठीक है तो और भी जर्नलिस्ट हैं नजम सेठी जो हैं नजम सेठी के ऊपर तो नाइन्टीज़ के शुरू में खुद मियाँ नवाज शीफ की हुकूमत में उनके ऊपर मुकदमा हुआ था का जर्नलिस्टों पर भी हैं सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा मुकदमा पेंडिंग है उसकी समात नहीं हो रही और उसमें ये है कि जर्नलिस्ट जो हैं उनको जो उनका किरदार है ज़्यादातर ये जो नाम हमने लिए फिर अभी कुछ अर्सा पहले एक जर्नलिस्ट ने कहा जी मुझे उठाने आए थे वो फुटेज भी चली जिसमें एक डाला वगैरह आता है ठीक है ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं और अब सवाल ये है कि जर्नलिस्ट जो हैं वो वाकई कोई गद्दारी वाला काम कर रहे हैं या एंटी स्टेट काम कर रहे हैं या सडेशन कर रहे हैं स्टेट के अगेंस्ट ये बात जो है ये देखने वाली है ये अब एक अदालत जो है वही इसको सही देख सकती है हालात तो की रोशनी में कि जर्नलिस्ट जो है जी। उसको कोई कुछ नहीं कहता जर्नलिस्ट को लेकिन अपना काम बतौर जर्नलिस्ट करना चाहिए जर्नलिस्ट को जासूस नहीं बनना चाहिए बहुत अच्छा आज की गुफ्तू आपने सुनी सूरत हाल में हम इसी तरह के मौजूद लेकर सामने आते हैं बातचीत कर सकें हमारा प्रोग्राम ज़रूर देखिए इजाज़त दीजिए खालिद मजीद और तजीन अख्तर को अल्लाह हाफि